पी के दिखाओ कैसे पीते हैं, कैसे पीते हैं। ओले बोले होती है, कबूतर भी होते हैं और कौवे भी होते हैं। आप सिर्फ गाय को रोटी देती हो कि कौवे को भी देती हो? कौवा तो खिचड़ी खाता है। कौवा खिचड़ी खाता है? गाय तो रोटी खाती है। और कौवे को कैसे खिलाते हैं, गाय को रोटी कैसे खिलाते हैं? ऐसे वो हाथ काट लेगी तो, गाय का तो मुंह इतना बड़ा होता है, अगर मैं उसको लोटी खिलाऊंगी वो मेरा हाथ खा गई तो? मेरा ना खाती। आपको नहीं खाती? मैं नीचे से पकड़ के दे देती हूँ। ऐसे खिला देती हूँ? हाँ, यहाँ से पकड़ के दे देती हूँ। फिर वो आपको क्या बोलती है, थैंक यू ऐसे बोलती है? हाँ, आपका यहाँ हाथ खा गई, आपका हाथ खा जाएगी, मेरा नहीं खाती। मेरे को भी सिखा देना ठीक है, कैसे गाय को लोटी देते हैं, वो मैं भी खिलाऊंगी तो फिर मेरा भी नहीं खाएगी। आप सामने खड़ी हो जाना, मैं दे दूंगी। तो इसमें और पुरु किस में पीती है? निप्पल में। निप्पल में? आप भी निप्पल में पीती हो कि आप बड़ी दीदी हो? तो मैं ही पीती हूँ। आप इसमें पीती हो? देखो। फिर पुरु क्या करती है अपना दूध पी के? फिर पुरु अपना बेबी भाविता का खोज लेती है। भाविता का खोज लेती है? खोजती कैसे है बेटा? ऐसे मुँह ऐसे ऐसे पकड़ ले निप्पल, ऐसे खोजती है, ऐसे खोज लेती है ऐसे। हाय, फिर भविता रोती नहीं है? रोती है। और फिर आप उसको बोलते नहीं हो कि छोटी बेबी का नहीं लेना दूध दूध, ऐसे समझाया आपने? पर मैं तो बाबा के साथ खेल के आई। अच्छा ये बताओ आपको जीजी तो तब तक उसका निप्पल पी रही थी। अच्छा जीजी ने आपको, अरे बाबा, जीजी ने आपको तोता दिखाया? सच्ची में आया था ना दीदी के पास तोता? आपने फिर कौन सा सॉन्ग गाया? मैं तोता लाल रंग में तुला, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्टू मिट्टू मैं कहता। हे गाइस, मैं तो यहाँ प्लांट्स को धो रही थी, इतने में यानू उठ के आ गई, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। खोल दिया आपने दरवाजा? खोल दिया? हाँ। अभी तो बूढ़ो आए भी नहीं है, जल्दी बंद करो, जब बूढ़ो आएंगे तब खोलेंगे ना, फिर तो बूढ़ो आ जाएंगे अंदर। जाओ जल्दी से बंद कर दो, सरप्राइज दे देंगे बूढ़े को। क्या दे देंगे? जल्दी से बंद करके आओ, जल्दी बंद कर लो। चलो चलो चलो, मैं बोलूंगी यानी तो नहीं है, मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी ठीक है। मैं तो नहीं खोलूंगी। यानू ने खोला। चलो चलो पंखा में चलो यानू, आ जाओ मेरा बेटा। नहीं ये गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात यानू, ऐसे टूट जाएगा। चलो मैंगो कौन खाएगा? अच्छा लो ये लो। यम्मी है यानू, यानू थैंक यू। आप भी खाओ? यानू भी खाएगी, मैंने भी खा लिया, उसने बोला आप सच्ची में खाओ, मैंने सच्ची में खा लिया। अब यानू बुढ़ो कल तक खा लिया, आ करके दिखा। आ बेटा मेरा हेलीकॉप्टर, पैसे दे के हेलीकॉप्टर बन, पैसे दे के हेलीकॉप्टर उड़ा दे पैर, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। किधर गिरेगा हेलीकॉप्टर? किधर गिरेगा? किधर गिरेगा? पापा के ऊपर। क्या कर लिया अभी भाई? गुदगुदी करेगा ना तब तेरे को पता चलेगा, रुक जा। अब भाई गुदगुदी करेगा तेल को देख। 1 2 3 दे दे, बाल खींचती है। ओए राम यार नहीं। हे गाइस, मैंने लिया है ये वाला इंडिगो, आपको मिल जाएगा Amazon में, और ये बाय वन गेट वन फ्री है। ये ही था जो थोड़ा सस्ता था, बाकी तो सब बहुत महंगे हैं गाइस। तो इसमें आई थिंक ये 250 या कुछ का मुझे 2 का सेट मिला था, तो
तो अच्छा है ये काफी। युद्ध वेदा करके है इंडिगो, आप देख लेना, सर्च कर लेना। और मैं ना यहाँ पे मेहंदी इस तरह से एवरी डे भिगा के ही रखती हूँ, मतलब इतनी भिगाती हूँ कि ये इस तरह से बिल्कुल काली हो जाती है, ये देखो एकदम काली। तो ये मेरी जो कढ़ाई है ना सिर्फ इसी की हो गई है और इसी में ये रहती ही है, मतलब मुझे जब मन करे मैं तब लगा लूँ, जैसे ही ख़त्म होने लगती है मैं पहले भिगा देती हूँ। तो ये है मेरा सेटअप आज का, तो ये लगेगा अनूप के, मैंने तो कल लगा लिया था। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो सुबह सुबह का टाइम है, देखो मैंने तो कल लगा लिया था, तो ये है इसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो काम तो करता है, काम तो करता है भाई। और आज सुबह सुबह मुझे 500 रुपीज़ दिए हैं अनूप ने, वो खा के, वो जो बनाए थे ना इंडियन बिस्किट, खाए उन्होंने दो, फिर अंदर गए और 500 रुपये आज दिए थे। कमाल है, गजब है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बना के रख लेना। तो सुबह सुबह कमाई हुई गाइस मेरी आज। चल अब अनूप की जा रही हूँ इंडिगो लगाने के लिए। बच्चे उठ गए हैं, बहुत देर से बच्चों के संग खेल रहे थे और आज ने मेरी नाक उखड़ रखी बहुत भयंकर, रात भर बहुत ज़्यादा पेन रहा है पेट में, घबराहट, गर्मी एक तो इतनी है, क्यों, क्योंकि मैंने गमले उठा लिए थे, उतने भारी भारी गमले उठाने से मेरी नाक चली गई है। वो रहा पार्ट टू, और यानू भी यहीं पर गई है, ये रही यानू, ये देखो दोनों खेल रहे हैं, अनूप झाड़ू लगा रहे हैं, और मेरे प्यार मेमोज भी आगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। ठीक हो जाएगा, खैर पहले अनूप का इंडिगो भिगाते हैं। तो गाइस इसको भिगाना बहुत ही आसान है, मेहंदी से थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहिए इसको, और ये गुनगुने पानी में, थोड़ा सा गुनगुना पानी होना तब आप इसको भिगाओ। कुछ लोग इसमें चुटकी भर नमक, बुढ़ो, कुछ लोग इसमें चुटकी भर नमक भी डालते हैं गाइस, जिससे क्या होता है ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और बहुत अच्छा ब्लैक कलर छोड़ता है। ब्लैक कलर नहीं होता एक्चुअली, इसका ब्लू कलर होता है, इसीलिए जब हम इसको मेहंदी के संग लगाते हैं तो ऑरेंज प्लस ब्लू मिलके ब्लैक बन जाता है। तो ये है इसका सीधा सा फंडा, इसको डायरेक्ट आप सिर पे नहीं लगा सकते, मेहंदी लगाने के बाद ही लगा सकते हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी भिगानी होती है मेहंदी से, कम लगता है ये। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ना तब मैं इसको अनूप के सिर पे अप्लाई करूँगी। ऊपर ऊपर की परत ही इसकी ब्लैक होती है दोस्तों, अंदर तो ये ऐसे ही रहता है। तो ये अच्छे से मैंने घोल दी है। तो आज ही मैं एक कमेंट पढ़ रही थी सुबह सुबह, जिसमें लिखा था, सीमा दीदी अगर आपसे एक बात पूछूं तो आप बताओगे, आपका एक और चैनल था ना? मैंने बोला था नहीं, मेरा एक और चैनल है, वो है अभी जिंदा है वो। बेटी खाना बनाओ, क्या खाएगा मेरा बच्चा? छोटी चम्मच से क्या खाएगा मेरा बच्चू? क्या खाएगी ये तो बता। चावल, सवेरे सवेरे चावल खाएगी मेरी बेटी। तो ये देखो दोस्तों, अब खिचड़ी बना दूं? अच्छा तो ये है आपका, और अब इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे, काला हो जाएगा। ओके बेटा बनाती हूँ। तो ये देखो गाइस, अभी 10-15 मिनट में ये पूरा ब्लैक हो चुका है, लेकिन ऊपर ऊपर की एक लेयर ब्लैक होती है, अंदर तो ये ग्रीन ही रहता है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये लगाएंगे। यानू ये क्या है? किसके लगाएंगे? बुलो के। तो भाई मेरे ही बूढ़ो नहीं है, जगत बूढ़ो है ये बूढ़ो, अब जगत बूढ़ो हो चुके हो, बच्चा बच्चा आपको बूढ़ो बोल रहा है। मैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ये तो मैंने बोल दिया, आज बोला था ना चैनल को और वीडियो को दे दिया, सब बोल रही बेटी ने आज।